एक ऐसा फ्रेग्रेंस जो कि आप देखते आ रहे होंगे कि लोग इसे बहुत ज़्यादा अवॉइड करते जा रहे हैं, पसंद नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं, उसके बारे में आगे बात होगी। बट आपने देखे होंगे कि अगरबत्ती के जो लीड्स होते हैं, जो फ्रेग्रेंस के लिस्ट आपको देखने को मिलेंगे, हर एक कंपनियां, हर एक ब्रांड जो है इस सेगमेंट को छोड़ते जा रही है, बट हम नहीं छोड़ने वाले। तो ये है हमारा आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैस्मिन। जैस्मिन एक यूनिक नाम है फ्रेग्रेंस में और फ्लावर में भी। कहीं पर ये देखा जा रहा था कि जब मैं पिछले समय की बात करना चाहूं तो लोग काफी ज्यादा पसंद करते थे अगरबत्ती में। ये चार पांच नाम तो आपको सुनने को मिलते ही रहेंगे होंगे, जिसमें से हमारा मोगरा, रजनीगंधा, चंपा, केवड़ा, इसके साथ साथ हमारा जैस्मिन भी था। बाकी चीज़ें तो चल रही हैं, लोगों की डिमांड में भी है, अच्छी हैं, रिस्पॉन्स भी उनके चल रहे हैं। हमारे सेगमेंट में भी वो परफ्यूम है जो कि फ्लावर बेस में रहते हैं। और इसी के साथ जैस्मिन एक ऐसा नाम है जो कि लोगों के दिमाग से तो हट ही गया है, फ्रेग्रेंस में भी ये लगभग हट ही गया है, लेकिन इसे हम जो है नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये जो फ्रेग्रेंस है ये अपने आप में मतलब ये फ्रेग्रेंस को अनुभव करवाती है कि हाँ, अगर कोई फ्लावर है तो इसके नोट जो है बाकी फ्लावर से अलग देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको थोड़े से कड़कपन फ्रेग्रेंस जो मैं कहूँ तो, या फिर कड़वाहट जिसको बोला जाता है, जिसमें कड़वी स्मेल होती है। जो लोग स्वीटनेस को पसंद करते हैं उसके पसंद की तो अलग ही बात है, बट स्वीटनेस से थोड़ा अलग होता है। जिस तरीके से मैंने बोले किसी वीडियोस में हमने बताए हुए हैं कि केवड़ा या फिर हमारे जो भारत दर्शन थे, ये सारे हमारे कड़क फ्रेग्रेंस थे, नोट थे, जो कि इसी पर्पस में अगर मैं कहना चाहूँ, अगर एक नाम और जोड़ना चाहूँ तो ये हमारा निकल के आएगा जैस्मिन। जैस्मिन को आपने देखे होंगे तो सोप्स, डिटर्जेंट, इन्हीं सब चीज़ों में आपने ज़्यादातर देखे होंगे। अगरबत्ती में लगभग ख़त्म सी हो गई है, लेकिन अगर आप इसे इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने अगरबत्ती में जोड़ते हैं, या फिर अगरबत्ती धूप या फिर कोन्स की मैं बात करूं, तो एक अच्छा यूनिक फ्लावर फ्रेग्रेंस में ये आपको रिजल्ट देगा डेफिनेटली। और इसके साथ साथ हम इस जैस्मिन के बेसिक नोट्स के बारे में बात करेंगे, इसके फ्रेग्रेंस किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो फटाफट से हम करते हैं इसे ओपन। जैस्मिन कुछ इस तरीके से आपको इसके लिक्विड देखने को मिलेंगे, एक शार्क रेड कलर में ये आपको लिक्विड देखने को मिलेगा। फ्रेग्रेंस काफ़ी इसके मुझे अलग तो लग ही रहे हैं, और अलग है ही क्योंकि नाम जैस्मिन, जैसे कि आपने सुना। तो कुछ परसेंटेज यहां से हम कर लेते हैं इसे डीप, और यहां से हम इसके फ्रेग्रेंस को समझने की कोशिश करेंगे, और इसके नोट्स को भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सो फिर सबसे पहले इसके नोट्स अगर मैं आपको बताना चाहूं तो डार्क स्पाइसी नोट्स आएगी, फ्लावर का बेस फ्लावरी नोट आपको देखने को मिलेगा जो कि जैस्मिन बेस्ड है, और भी किसी तरीके का मिक्सअप मैं कहना चाहूं मिक्स फ्लावर का नोट नहीं है इस फ्रेग्रेंस में। जैसे कि पिछले वीडियोस में हमने बात की थी लिली फूल के बारे में, थोड़ा सा लिली फूल में जो है रात रानी और कुछ फ्रेग्रेंस के मिक्सअप नोट आपको देखने को मिले, और इसी तरीके से मैंने नागचंपा की बात की थी तो नागचंपा में भी कुछ सिट्रस और पचोली बेस फ्रेग्रेंस उसमें से मिक्सअप थे। बट ये हमारा जो जैस्मिन है ये डार्क बेस जैस्मिन फ्लावर, और थोड़े से कड़क मैं कहना चाहूँ तो इसके फ्रेग्रेंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं एक चीज़ और नोटिस करना चाहूँ तो इसमें थोड़ा सा मस्की बेस फ्रेग्रेंस आएगा, मस्क का टोन हल्का देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, पाउडर बेस, इसमें पाउडरी नोट आपको जो है देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो जैस्मिन काफ़ी अच्छा और यूनिक फ्रेग्रेंस है, इसे आप ज़रूर अपने प्रोडक्ट में ऐड कीजिए। और अभी के टाइम में जो चीज़ें हो रही हैं, जो सिचुएशन चल रही है कि फ्लावर फ्रेग्रेंस लोग धीरे धीरे
अवॉइड करते जा रहे हैं, बट हमारा अगर फ्रेग्रेंस कहीं से निकल के आया है तो वो है फ्लावर। तो फ्लावर को तो कभी भी नहीं भूला जा सकता, इसलिए बहुत कम डिमांड होने के बाद भी हमने जैस्मिन सोचा कि ये फ्लावर तो होना चाहिए। हालांकि कुछ कुछ कस्टमर्स जो है इसे ट्राई कर रहे हैं और बेटर रिजल्ट उन्हें मिला है। अगर हम इसके बेस्ट डाइल्यूशन की बात करें तो एवरेज ये 4-5 का रेशियो कवर करेगी एक प्रीमियम क्वालिटी अगरबत्ती, इंसेंस या फिर धूप जो भी आप बनाना चाहो उसके लिए। इस फ्रेग्रेंस से रिलेटेड या फिर किसी भी फ्रेग्रेंस से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरीज डिटेल्स के लिए आप हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। मिलते आने वाले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।